आशीष नाल कल आपां विचार रहे सां कि गुरु नानक साहब जी दे ए अमृत बोल मैं अपने गुरु नूं पुछ के वेख लिया है ते सतगुरु ने इस गल ते मोहर ला दित्ती कि परमेश्वर दे नाम तो बिना इंसान दा अंदर जिहड़ा उह सड़ बल जांदा है। हर बिन जीओ जल बल जाओ, मैं अपना गुरपूछ देखिया अवर नाही था। अर्ज कल कीती सी इस मनुखी शरीर विच परमात्मा ने बहुत सारियां अदृष्ट ताकतां शक्ति जां एनर्जी शब्द वरतां ओ टिका के रखिया होया है। बाहर मुखी देखण तो सिर्फ यही भासदा है कि पंजा तत्तां दा शरीर है, पंज ज्ञान इंद्रे ने, पंज कर्म इंद्रे ने, शरीर दे अंदर अदृष्ट पर अंतरल जड़े पार्ट ने वो अपना काम करी जा रहे हैं। केवल शरीर ए नहीं, इस शरीर विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी मुताबक, क्योंकि असी कल वेख्या सी अंदर अग दे दरिया पे चलदे ने, पर मेडिकल साइंस वाला कहेगा झूठ है, अंदर पानी है, खून है, वक वक जिहड़ी ताकत चाहीदी शरीर नूं ओह कुछ कहे, किथे अग बलदी देखी आपां। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कहा कल्ला शरीर नहीं, इस शरीर विच दोष भी ने, इस शरीर विच गुण भी ने, सचमुच इस शरीर विच शैतान भी वसदा है, इस शरीर दे विच भगवान भी वसदा है। इस शरीर दे अंदर बेड़ा डोबण वाले भी बैठे ने, ते इस शरीर विच परमात्मा ने डुबदे नूं तारन वाले भी गुण टिकाए हुए। थोड़े जसी बाणी चो बचन लै लिए, उस लड़ी नूं हंस खेत लोभ कोप चारे नदियां अग, अंदर अगन है। गुरु साहिब जी दे अमृत बचन ने हजूर ने फरमाया कि इस शरीर दे ढांचे विच परमेश्वर जी आप अपना आसन ला के बैठे आ। आज सुबह इत्थे हुक्मनामा सी जी कि पहल पुरिये पुंडरिक वना तांचे खंसा सगले जना, उसकी व्याख्या करदिआं मैं एक प्रमाण वजो बचन कहा सी, आसा की वार की पहली पौड़ी जो तुसी पढ़दे हो उस विच गुरदेव ने एक तां परमेश्वर दे सफुर होण दा जिक्र किया है, दूसरा आ जिन्ना कुछ परमात्मा ने बाहर मुखी सिरजिया ये एवें नहीं, रूहानियत दे तौर ते इह सारी नाम दी शक्ति दा पसारा है। तीसरा कि जो कुछ सिरजिया है परमात्मा बिल्कुल उहदे तो वख नहीं, हर चीज नूं सिरज के अपना टिकाणा उहदे विच ही बना के बैठ गया है। असी इह पौड़ी पढ़ने का आपी ने आप साजियो, ते सुबह एक अर्ज कीती सी क्योंकि लड़ी नूं अग्गे तोरन लई कि आपी न आप साजो दा लफ्जी अर्थे आपी न आप दा अर्थे अपने आप नूं आप, ते साजो दा तुसी कोश विच अर्थ पढ़ोगे दा अर्थे सिरजना उत्पत्ति, पर की साजन तो पहला की सी, जिहड़ा आपी न आप साजो है इहदा मतलब उस तो पहला रब दी होंद नहीं सी। गुरमुख प्यारे विद्वान कहिंदे आपी ने आप साजियो दा भाव है कि जदों उस अफुर ने अपने आप नूं सफुर कर लिया, पहला सिर्फ सुन विच सी, पर जदों दे अपने अंदर अपने ख्याल है कि मैं अपना विस्तार करना है, उहनूं किसे दूजा ते कोई है ही नहीं, ते दूजे दी सलाह कदी लैंदा भी नहीं। गुरु अर्जुन साहिब दा बचन करदे आ बीओ पूछना मसल धरै, जो किश करे सो आपे करे, अपने फैसले आप लैंदा है, किसे दूजे तो कदी नहीं पुछदा। हुण अपने आप अफुर तो सफुर जदों कीता आ सिरजना बनाई,
आपी ने आप साजो आपी ने रचियो नौ। फिर बेनती सुनियो अफुर तो सफुर होया। उन्हें इस सफुरता दे विच गल थोड़ी जी औखी जी लगेगी पर मैं एक बेनती करा ना ता खोमिच मैं शब्द कह रहा हर चीज एक गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे अंदर मौजूद है। साखी छेती समझ पै जाएगी कहानी सुनावांगा छेती समझ पैगी पर असी रोज ये बचन पढ़ने। आपी ने आप उन्हें सफुर किया जिन्हों आप जी चौपाई साहब पढ़ते हो कि जब उदकर्क करा करतारा। दो चीजा ने संसार नू चलान दिया एक है संजोग एक है विजोग। असी रोज ये पढ़ने भी हाँ कि सारे संसार नू दो चीजा चलांदियां पईयां ने संजोग विजोग। दो कार चलावे लेख है आवे भाग। फिर बेनती सुनियो जदों परमात्मा ने यह क्या अपने मन च ही मन शब्द भी मेरा ख्याल उत्थे कोई नहीं ढुकदा जी उहदा की रूपरेख पर समझाण वास्ते अपने आपां उहदा ख्याल होया मैं विस्तार करना है। उन्हें धरती बना दिती परजा बना दिती पता नहीं किन्ना कुछ सिरज दिता इस संसार विच। संसार का अर्थ केवल अपनी धरती नहीं करना पता नहीं करोड़ां उन्हें सूरज बना दिते कई बना दिते। जब उदकर करा करतारा परजा धरत तब दे अपारा। उन्हें फैलाव किया जिन्हों कहने आपी ने आप साजियो। इन समझण वास्ते मैं एक उदाहरण आप जी दे देना। देखो बोर्ड का बीज इतने शायद मिले कि ना आप उत्थे इंडिया देखते हैं बोर्ड ते पिपल का बीज खसखस के दाने नालों भी बरीक हुंदा है। हुण उस अनजाण बंदा जिन्हों समझ कोई नहीं उस रुख की ओदी तली ते बीज रखो ते बोल के कहो कि इस विच एको ब्रिक्ष है जो कई साल जिएगा हजारां साल ये रुख कायम रहेगा। इस दे थले हजारां बंदे बैठ सकते हैं जिन्हों समझ कोई नहीं कहेगा निक्का जिहा दाणा ये की सच ए वे सुन इस तरह है जिवें बोर्ड का बीज है ते अपनी सिरजना करनी इस तरह है जिवें निक्के जे बीज भी तो एडा वड्डा रुख पैदा हो गया। महाराज ने बाणी च एक बचन कहा बटक बीज में रव रहे जाको तीन लोक विस्तार। उस अपने आपे च उन्हें विस्तार किया जब उदकर करा करतारा परजा धर तब दे अपारा। जब आ करक करत हो कब हूं डेट नहीं दसी जदों तेरी मर्जी आई मैं सारे बनाए नू अपने विच खिंच लेना ते परमात्मा कुछ नहीं रहना ना बंदा ना पशु ना धरती ना सूरज कुछ भी नहीं सब कुछ तेरे चो निकलिया तेरे विच फिर समा जाएगा। फिर सुनियो मैं अर्ज की भी ये शरीर अग की गल चली कली अग्नि च बहुत कुछ है। आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए। उन्हें फिर नाम विचो सृष्टि दुई कुदरत का अर्थ सृष्टि बना दिती दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाहो। आसन का अर्थ असी सारे जानने चौंकड़ा मार के बहना टिकाणा बनाना जो कोई सिरजिया ओदे विच अपना आसन बना के डिठो दर ते देखन लग पिया ते चाओ दा अर्थ मजबूरी वस नहीं जो कुछ उन्हें बनाया सच वे हर चीज विच वो अपना आसन ला के चा दे नाल देखदा पिया है। एक ता गल बड़ी स्पष्ट ये शरीर च कली अग्नि नैगेटिव नहीं केवल मैं बेनती करांगा इस शरीर विच शरीर नू बनाण वाला भी बैठा है। इसे नू बाणी ने कहा कि नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम। भगत साहब जी ने कहा कि दिल में खोज दिलो दिल खोजो एही ठौर मुकामा। भगत पीपा जी कहने कायों देवा कायों देवल कायों जंगम जाती। इस काया दे विच मंदर कह काया ही यात्रा करदी पई कह सब कुछ पार ब्रह्म परमेश्वर वाहगुरु ने इस काया दे विच टिका दिता। इहदे विच गुण भी ने देखो जेकर कोई इंसान किसी ते भला कर रहा है दया कर रहा है वह भी तो फुरना अंदरों ही उठा है ना ते जिहड़ा निर्दयता वाला उहदे अंदरों भी फुरना अंदरों ही उठा है। किसी का दुख वेख के कोई अखां भर रहा है होके लै रहा है ते कोई किसी नूं दुख दे के खिड़खड़ा के हसदा पिया है तां सब कोई शरीर विचों निकलदा। तां ही मैं कहा इहदे विच ही राक्षस बैठा है
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਪ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੰਨ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਭਾਈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਆ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਅੱਗ ਦੀ ਲਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੀ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਪਏ। ਆਓ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ, ਖਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੰਸ ਖੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋ ਲੇਖ ਪਏ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਇਆ ਆਰਨ ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਕਾਇਆ ਆਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਾਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲਿਆ ਪੰਚ ਅਗਨ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਬੌਡੀ, ਆਰਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਭੱਠੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਹਾਰ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਹਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਠੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਭੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਹਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਮਾਚਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੀਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਕਿਹਾ। ਕਾਇਆ ਆਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਉਸ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਐਰਨ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜੇ ਅੱਗਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਮ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਅੱਗਾਂ ਨੇ ਸਾੜਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਕੋਲੇ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਬੁੱਝਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਤੇ ਲੁਹਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤਪਾਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਵਰਤਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਸੰਨੀ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤਪਦੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੜੀ ਉਹਨੂੰ ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਪਿਆ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸੰਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਬਚਿਆ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਕਾਇਆ ਆਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾ ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ, ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉੱਪਰ ਮਨ ਜਲਿਆ, ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਪਈ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸੰਨੀ ਨੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਸੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰਨਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਤਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਾਈ। ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਥੋੜਾ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਫੂਕੀ ਗਈ, ਸੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ 99% ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸੜੀ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 97 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 98 ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਲਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਫੁਕੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੁੱਕੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਸਨ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਸਨ,
पराली कठी करके बीबिया चुले च बाल के लोह ते रोटी बकांदियां रहीं, पर जिथे गोए दी लकड़ दी पराली दी अग बलेगी, पराली शब्द आप समझदे हो ना, उदो उथे जिथे अग बलेगी उथे धूं बाहर निकलदा सी, ते पिंड विच पहले ही पता लग जांदा सी फलाने दे घर विच अग बल गई, क्योंकि धूं ही लोकां नूं दस दिंदा सी, बोलन दी लोड़ नहीं सी पैंदी, इन्हां दे चुल्हे च अग बल गई। ओह कहिंदे माड़े बंदे दा दुख इस तरह है जिवें गरीब दे चुल्हे च पराली दी अग बलदी है। धूं उत्ते गया, पता सब नूं लग गया, पर अगे बंदे ने की कीता जी, उहने लकड़ बालन दी थां सुके गोए बालन दी थां उन्हें कोले ले आंदे, कोलियां च अग बाली, पर जदों अग बन लगी उन्हें अंगीठी बाहर गली दे विच रख दित्ती, जां चुल्हे च कोलियां नूं जदों फूकिया ते तूं उन्हां दा भी बाहर निकल के आ गया, लोकां नूं पता लग गया अग बल पई है। तीसरा बचन करदे सन कि बंदे ने अंगीठी तो अगे आ तेल वाले स्टोव पाए, उत्थे उसका धूं इन्ना नहीं सी जिन्ना गोए का लकड़ का कोले का धूं है, स्टोव बलदा इन्ना धूं नहीं, पर यह सच्चाई सी जो बलदा सी धूं तो बिना उहदी आवाज ही लोगों नूं दस दिंदी सी इस घर विच अग बल पई है, उहदी आवाज आ जाती सी। वह कहिंदे सन अगे गैस ते बिजली दे चुल्हे आ गए, ना धूं निकलदा ना आवाज आउंदी है, पर कहिंदे ने लोग सियाने हो गए कि दुखां नूं जर जर के मुस्करा के इस तरह दुख लकाई बैठे आ जिवें गैस दा चुल्हा ते बिजली दी अग गवांडी नूं पता नहीं लगदी। मत समझो कि उन्हां घर च अग नहीं बलदी पई, बलदी जरूर है, पता नहीं लगता, पर वह अग अंगीठी नालों खतरनाक है। सच एवे कि गुरमुखो कोई घर कोई शरीर, मैं नैगेटिव नहीं कह रहा, कोई तन ऐसा नहीं जिस विच अग दा लाभू नहीं।